हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप रेडियोलॉजी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज हम रेडियोलॉजी कोर्स के बारे में ही बात करेंगे कि रेडियोलॉजी कोर्स में कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, रेडियोलॉजी कोर्स को करने के लिए उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, उसका कैरियर स्कोप क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, आपको मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करें। क्या है रेडियोलॉजी? एक मेडिसिन की ब्रांच है जिसमें रेडिएशन का यूज़ करते हैं डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। डिसीज़ को कैसे डायग्नोस करते हैं? इमेजिंग मॉडलिटीज़ का यूज़ करके डिसीज़ को डायग्नोस करते हैं। कौन कौन सी इमेजिंग मॉडलिटीज़ का यूज़ करते हैं? जैसे कि सीटी स्कैन का यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं, एमआरआई का यूज़ करते हैं, एक्सरे का यूज़ करते हैं, डेक्सा स्कैन का यूज़ करते हैं और मैमोग्राफी का यूज़ करते हैं। इन सारी इमेजिंग मॉडलिटीज़ का यूज़ करके क्या करते हैं, डिसीज़ को डायग्नोस करते हैं। और डिसीज़ ट्रीटमेंट जहाँ से होता है उस ब्रांच को रेडिएशन थेरेपी कहते हैं। रेडिएशन थेरेपी में हाई रेडिएशन डोज का यूज़ करते हैं कैंसर सेल को किल करने के लिए। कौन सी मशीन का यूज़ होता है रेडिएशन थेरेपी में? इसमें होता है लीनियर एक्सेलरेटर और टेलीकोबार्ट मशीन का यूज़ होता है, जो कि हाई रेडिएशन डोज को इमिट करती है और कैंसर सेल को किल करने का काम करती है। रेडियोलॉजी फील्ड को टू ब्रॉड एरिया में डिवाइड करते हैं। रेडियोलॉजी फील्ड कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ब्रॉड एरिया। द फर्स्ट इज डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड द सेकेंड इज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। तो ये दो ब्रॉड एरिया होते हैं जिसमें रेडिएशन फील्ड को डिवाइडेड किया जाता है। एक होता है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी और एक होता है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में डिसीज को डायग्नोस करते हैं इमेजिंग मॉडलिटीज का यूज करके। और सेकेंड है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। इसमें इंटरवेंशनल मीन्स होता है फर्दर ट्रीटमेंट आफ्टर डायग्नोसिस। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में पहले डिसीज को डायग्नोस करते हैं, फिर उसके बाद उस डिसीज़ या फिर उस कंडीशन को ट्रीट किया जाता है। इंटरवेंशनल प्रोसीजर कैथ लैब या फिर ओटी में परफॉर्म करते हैं जिसमें सी आर्म मशीन का यूज होता है। नाउ लेट मी टेल यू द ब्रांचेस ऑफ रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी की तीन ब्रांचेस होती हैं। एक होती है रेडियोग्राफी, एक होती है न्यूक्लियर मेडिसिन और एक होती है रेडियोथेरेपी। ये तीन ब्रांचेस होती हैं रेडियोलॉजी की। रेडियोग्राफी में हम बॉडी पार्ट्स की इमेजेस लेते हैं, फिर इन इमेजेस को रेडियोलॉजिस्ट क्या करता है, डायग्नोस करता है। मेनली हम टू टाइप की रेडिएशन का यूज करते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन सेफ नहीं होती है, हार्मफुल होती है, जबकि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है, सेफ होती है। आयनाइजिंग रेडिएशन में मेनली हम एक्सरे का यूज करते हैं। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में हम एमआरआई और अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। इसीलिए ज्यादातर प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं फीटस को देखने के लिए। नेक्स्ट ब्रांच है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में भी हम क्या करते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज करते हैं, जैसे कि एक्सरे और गामा रेज का यूज करते हैं। ये रेडियोलॉजी की एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर हम डिसीज का ट्रीटमेंट करते हैं, यानी हम कैंसर का क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन रेडियोलॉजी की तीसरी ब्रांच है। ये थर्ड ब्रांच है न्यूक्लियर मेडिसिन। इसमें हम रेडियो आइसोटॉप इंजेक्शन लगाते हैं पेशेंट को, जिससे कैंसर की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया जाता है। इसमें कॉमनली सबसे ज़्यादा FDG का यूज़ किया जाता है, फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज का यूज़ किया जाता है। इस फील्ड में पैट, स्पेक्ट और गामा कैमरा मशीन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम इन रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं? एक होता है डिप्लोमा। डिप्लोमा कर सकते हैं हम रेडियोलॉजी में। डिप्लोमा जो होता है उसकी कोर्स ड्यूरेशन होती है 2 ईयर की। और इसमें क्या होता है, इन्हीं 2 ईयर में प्रैक्टिकल एंड थ्योरी पढ़ाया जाता है। 2 साल में प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों को 2 साल में ही पढ़ाया जाता है। इसमें अलग से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होती है, इन्हीं 2 ईयर में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट प्रोग्राम है BMRIT। ये ग्रेजुएशन डिग्री है। इसमें 3 ईयर की पढ़ाई होती है और 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। पहले इसमें क्या होता था, 3 साल की पढ़ाई होती थी और 6 मंथ की इंटर्नशिप होती थी, बट अब चेंज हो गया है, 3+1 हो गया है। और इस कोर्स को
करने के बाद क्या करते हैं, हम इंटर्नशिप करते हैं 1 ईयर की, और अगर जहाँ से आपने क्या किया है, ये कोर्स किया है, और अगर आपको वहाँ से इंटर्नशिप नहीं करनी है तो आप उस कॉलेज से या उस यूनिवर्सिटी से क्या लेंगे, NOC लेंगे, जिसको बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इस NOC को जहाँ से भी, जिस भी जगह से आपने बाहर से इंटर्नशिप करनी है, वहाँ आपने इसको सबमिट करना पड़ता है, उस हॉस्पिटल में आपने इसको सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद वो हॉस्पिटल आपको अप्रूवल देता है, फिर आप अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम मोस्टली BMRIT के नाम से जाना जाता है। अगर आपको हायर स्टडी करनी है तो आप रेडियोलॉजी में मास्टर कर सकते हैं, जिसको MRIT बोलते हैं। ये प्रोग्राम जो होता है 2 ईयर का होता है, इसमें अलग से ट्रेनिंग नहीं होती है, इन्हीं 2 ईयर में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। इसमें एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी बनाना होता है, उसको कंप्लीट करने के बाद ही डिग्री मिलेगी। आफ्टर कम्प्लीटिंग मास्टर डिग्री आप क्या कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। इसमें आपको रिसर्च वर्क करना होता है। रेडियोलॉजी प्रोग्राम्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, 10+2 50% पासिंग मार्क्स इन PCB और PCM वाले स्टूडेंट भी रेडियोलॉजी प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं, बट इनका एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी, और उसका नॉन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होता है, बट ये हर किसी यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं करते हैं PCM स्टूडेंट को। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिसमें PCM स्टूडेंट को अलाउ करते हैं रेडियोलॉजी प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए, बट उनका क्या होता है, एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी, और उसका नॉन यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है। जिन स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा किया हुआ है वो डायरेक्ट लेटरल एंट्री ले सकते हैं BMRIT सेकेंड ईयर में, और इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 17 से 18 ईयर, और जो एज लिमिट होती है वो होती है 30 ईयर्स तक की एज लिमिट होती है। अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स तक क्या होता है, एज लिमिट होती है। रेडियोलॉजी प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, तो सबसे पहले स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होता है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद क्या होता है, थर्ड प्रोसेस होता है मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट किया जाता है, और कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिसमें सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर उसको क्लियर करने के बाद उस स्टूडेंट का इंटरव्यू होता है, देन उसका एडमिशन होता है। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पहले हम कोर्स बोलते थे BMRIT को और DXRT को, MRIT को, बट अब कोर्स की जगह इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं, और जिनको सब्जेक्ट बोलते थे उसको क्या बोलते हैं, कोर्स बोलते हैं। जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी एक सब्जेक्ट बोलते थे पहले उसको, लेकिन अब क्या बोला जाता है, उसको कोर्स बोला जाता है। और जिसको कोर्स बोलते थे, जैसे कि BMRIT, DXRT और MRIT, इनको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। ये अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कि प्रोग्राम को जो BMRIT है और MRIT है, DXRT है, इन कोर्सेस को अब प्रोग्राम बोलते हैं और सब्जेक्ट को अब कोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है फीस स्ट्रक्चर। रेडियोलॉजी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए कितना फीस स्ट्रक्चर होता है इसका, तो किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेते वक्त स्टूडेंट के मन में सबसे पहले एक ही क्वेश्चन आता है कि कितना फ़ी होगा। ऐसे ही रेडियोलॉजी प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते टाइम पर स्टूडेंट के मन में यही क्वेश्चन आता है कि इसमें जो प्रोग्राम्स हैं उनके कितनी फ़ी होगी। तो मैं आपको एस्टिमेशन बता देती हूँ, एक्यूरेट तो मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में अलग अलग फ़ी होती है, बट मैं आपको एस्टिमेशन बता सकती हूँ कि कितनी फ़ी होती है। BMRIT का जो फी स्ट्रक्चर है, जो टोटल खर्चा होता है 3 ईयर का, वो 3,50,000 होता है। ये एस्टिमेशन है, एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में किसी में क्या होगा, 3,50,000 से ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। तो ये क्या है, एस्टिमेशन, एवरेज एस्टिमेशन है। BMRIT को कंप्लीट करने का जो फ़ी लगती है वो कितनी लगती है, टोटल खर्चा 3,50,000 लगता है। और MRIT का जो एस्टिमेशन एवरेज है वो अबाउट 2 से 3 लाख का है 2 ईयर का। और PhD का जो है एवरेज अमाउंट जो है, मीन्स की जो टोटल खर्चा है, अराउंड 4 to 5 लाख का लगता है। आफ्टर कम्प्लीटिंग BMRIT को कम्प्लीट करने के बाद इसमें क्या कैरियर स्कोप है। ये प्रोग्राम जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद
रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट बनते हैं जो कि हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में जॉब करते हैं। उन्हें क्वालिफाइड एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कहा जाता है और हर कंट्री में क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल की बहुत ज्यादा डिमांड है। इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद डायग्नोस्टिक सेंटर में, हॉस्पिटल्स में, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, फार्मा कंपनी में, इक्विपमेंट कंपनीज में अलग अलग जगह जॉब कर सकते हैं। Career in working as a radio imaging technologist is a smart choice as it's a demanding program by profession. रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट जो होता है वो रेडियोलॉजिस्ट का राइट हैंड होता है, तो रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट आर कॉल्ड अ राइट हैंड ऑफ रेडियोलॉजिस्ट। रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट की जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है डिप्लोमा यूजी पीजी होती है। इनका काम केवल ये होता है कि ये इमेजिंग मॉडलिटीज को ऑपरेट करते हैं और हाई क्वालिटी की इमेजेस प्रोवाइड करते हैं। रेडियोलॉजिस्ट की जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है MBBS MD। MBBS करने के बाद MD करते हैं रेडियोलॉजी में और इनका जो काम होता है वो होता है एक्सरे, CT, MRI की इमेजेस को डायग्नोस करना। तो ध्यान रहे कि MBBS MD करने के बाद रेडियोलॉजिस्ट बनते हैं, ना कि रेडियोलॉजी में UG, PG और डिप्लोमा करने के बाद बनते हैं। मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पर देखा है कि रेडियोलॉजी में UG, PG करने के बाद क्या बनते हैं, रेडियोलॉजिस्ट बनते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। MBBS के बाद MD करते हैं रेडियोलॉजी में, उसके बाद रेडियोलॉजिस्ट बनते हैं और UG, PG और डिप्लोमा करने के बाद रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट बनते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज इन बिटवीन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट। रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट कैन वर्क इन गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स। आफ्टर कंप्लीटिंग BMRIT को कंप्लीट करने के बाद काफ़ी सारी पोस्ट पर काम कर सकते हैं, जैसे कि CT टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, MRI टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, RSO बन सकते हैं। RSO जो होते हैं रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, ये हॉस्पिटल में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में रेडिएशन सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। और प्रोडक्ट सेल्स स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, जो कंपनी रेडियोलॉजी इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करती हैं उनमें प्रोडक्ट सेल्स स्पेशलिस्ट की पोस्ट पर काम कर सकते हैं। MRI एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, रेडियोलॉजी सुपरवाइजर और रेडियोलॉजी मैनेजर बन सकते हैं, पैक्स मैनेजर बन सकते हैं, रेडियोलॉजी हेल्थ केयर एजुकेटर बन सकते हैं, रेडियोलॉजी ट्रेनर बन सकते हैं, कैटलैब टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जैसे प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। अकेडमिक लाइन में क्या क्या बन सकते हैं? अकेडमिक लाइन में आफ्टर कंप्लीटिंग BMRIT एज अ ट्यूटर की पोस्ट पर किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में काम कर सकते हैं, और MRIT कंप्लीट करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर काम कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी और किसी भी कॉलेज में, और 8 ईयर्स के बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं और 12 ईयर्स के बाद प्रोफेसर बनते हैं। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।